माय चैनल एलपी राकेश। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सैल्यूट देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाया है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फिर से एक सैल्यूट देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और फाइनली 1000 सब्सक्राइबर मेरा चैनल में कंप्लीट हो चुका है। और अभी ये मुझे कंप्लीट करने में 2.5 ईयर लग गए, तो ये जर्नी बहुत ही मतलब लंबा हो गया, क्योंकि मैं चैनल बहुत बार सोचा था कि मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि चैनल में ना व्यूज़ आ रहे थे ना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहे थे। तो इससे मैं बहुत सोचता था कि मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, जब कहीं जा ही नहीं रहा है, किसी के वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, जो मैं मकसद से चैनल बनाया था कि ALP के रिलेटेड मैं सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इससे क्या क्या लाइफ स्टाइल इसमें चेंजेस आते हैं, लाइफ स्टाइल कैसा होता है, और इसका सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस। तो मेनली यही मकसद था मेरे चैनल बनाने का, और आज के वीडियो में वही अपना जर्नी शेयर करूंगा कि मैं कैसे ALP बना और इस चैनल को कैसे मैं शुरुआत किया था, मतलब क्या सोच करके बनाया था, ये भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग के चलते आज मैं अपना जर्नी मतलब जो भी है 1000 सब्सक्राइबर का जर्नी कंप्लीट कर लिया हूं, और अभी मेरे चैनल में 1013 सब्सक्राइबर है, जो कि आप लोग और इसको लेकर के आगे जाएंगे मुझे पता है। आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मेरे YouTube फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि और ये चैनल का शुरुआत जब हुआ था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ALP का, और मेरा 2 ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, SWR और आपका टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग को सिर्फ इलेक्ट्रिकल बचा था, तो कोविड के चलते क्या हुआ था कि ट्रेनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो मैं फिर घर में आया और 2020 में, मुझे याद है 20 में मैं चैनल बनाया था मई मंथ में, तो उस समय से मेरा ये चैनल ये सोच के बनाया था कि मैं अपना डेली मतलब लाइफ जो होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा पहले चैनल का नाम ALP राकेश नहीं था, इसमें राकेश ब्लॉग्स था। तो वो मेरे चैनल यही सोच के मैं बनाया था कि मैं ब्लॉग्स डालूंगा डेली, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि मतलब कैसे कैसे मैं तैयारी किया था, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था, मेरा क्या क्या मतलब कब कब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया था, सारा कुछ अपना डेली लाइफ में मतलब ऐसे शेयर करना चाहता था। लेकिन वो चैनल उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो टॉपिक को मैं फिर चेंज कर दिया, क्योंकि ALP मेरा मेन फोकस था कि ALP का रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दूं आप लोगों को। तो इस वजह से मेरा नाम फिर चैनल का नाम किया गया ALP राकेश, और ALP राकेश चेंज करने के बाद ये चैनल में व्यूज आने लगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, तो मैं चैनल का नाम फिर ALP राकेश रख दिया। और वही जर्नी मैं कंप्लीट करके मतलब 2.5 साल मुझे लग गए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं बीच में बहुत मतलब ये रेगुलर हो गया था, मैं वीडियो डालते नहीं था, 6 मंथ तक मैं वीडियो नहीं डाला, उससे पहले मैं डालता था तो फिर छोड़ दिया, बीच में फिर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर उसके बाद फिर से मैं वीडियो डाला, फिर डिसकंटिन्यू हुआ। तो ऐसे करने के चक्कर में मेरा ड्यूरेशन जो है 2.5 साल लग गए मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, और फाइनली आज आपके भाई के चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो ही गया, वो भी आप लोग की वजह से। तो ये सारा हुआ और मैं बहुत बार सोचा कि चैनल को डिलीट कर दूँ, क्योंकि मैं 3 बार ये चैनल को डिलीट करने वाला था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं टाइम जहाँ दे रहा हूँ वो मतलब उसमें कुछ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली मैं सोचा कि छोड़ो रहने दो, क्योंकि आप लोग का ALP का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उस रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन बनाते गया और फाइनली आज आप देख ही रहे, तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक चैनल पूरा अच्छा से इसको पूरा एकदम मतलब प्रमोट करूँगा, और आप लोगों के तक पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरा मेन मकसद है कि ALP का और टेक्नीशियन का कैसे तैयारी करना है मेनली। तो आप लोग ये चैनल में मतलब जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को साथ जुड़ जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आप लोगों को साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा कि आप प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चन को, और सारा कुछ मैं आप लोग का हेल्प करूँ ताकि आप लोग भी मेरे जैसे ALP में सिलेक्शन ले पाए और अपना लाइफ को एक स्टेप फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि नौकरी के बिना आज का लाइफ कुछ नहीं है, और आप देख ही रहे कंपटीशन कितना है।
बहुत कंपटीशन टफ है, क्योंकि आजकल वैकेंसी बहुत कम आ रही है और हर सेक्टर में वैकेंसी कम आ रही है, तो इस वजह से कंपटीशन सब जगह टफ हो रहा है और लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी हाई हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग को स्मार्ट वर्क करने का ज़रूरत है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो आप लोग को बहुत सारा मतलब इस चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोग को कि कैसे तैयारी करना है। और बस मैं बहुत कुछ सीखा हूँ ये 2.5 साल में जो जर्नी मेरा रहा है, क्योंकि इसमें मैं उससे पहले तो मेरा लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे थे, और आप लोग के लाइफ में भी अभी स्ट्रगल होगा। तो आप भी सोचते होंगे कि मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, वैकेंसी कुछ आने वाला है नहीं, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। तो मैं भी यही सोचता था कि वैकेंसी आने वाला नहीं है, और मेरे भी कुछ प्लान बी करके मैं बनाया था कि अगर इसमें नहीं होगा तो फिर मुझे उस डायरेक्शन में जाना होगा। लेकिन मेरा मेन टारगेट LLB था, और ठीक जब मुझे ज़रूरत थी तभी वैकेंसी आया फेब्रवरी में, और मैं पूरा 100% एफर्ट लगा दिया कि मुझे नहीं एनी हाउ लेना है। और मेरा माइंड में बस यही चलता रहता था कि बस मुझे करना है, और मैं कुछ नहीं सोचता था कि कंपटीशन कितना है, कितने लोग आएंगे, कितना एग्ज़ाम है, सब है, सब हो जाएंगे, बस आपको पूरा 100% फोकस लगाना है। और इसमें एक मैं मतलब एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ, हमारी कल्पनाओं और कोशिश में बहुत ताकत होती है, आप एक बार चांद की तमन्ना तो कीजिए, आसमान को अपने आप छू लेंगे। तो बस आप अपना कोशिश को करते रहिए, क्योंकि हम लोग की कोशिश ही है जो मतलब हम लोग को ऊपर लेकर के जा सकता है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप ऐसे ही फील्ड से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप कंपटीशन में आ चुके हैं, तो आपको तैयारी करते रहना है, और अभी भी आप तैयारी करते रहिए। मत सोचिए कि हमको तैयारी नहीं करना है और कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, कोई वैकेंसी वैकेंसी आने वाला नहीं है, तो ये मत सोचिए। वैकेंसी आएगा और आपको लिमिट अब टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर उन लोग एग्ज़ाम ले लिए तो आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। और जो भी नए LLB एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े हैं और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें, तो मेरे कुछ चैनल में वीडियो है, आप लोग वहाँ जाके देखिएगा कि बेसिक कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, और क्या क्या टॉपिक को पहले ख़त्म करना है, और कितना पढ़ना है, और बस यही सब मैं डिस्कस किया हूँ इस चैनल में। और आगे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं डिस्कस करूँगा, तो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है वीडियो। और अभी 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है, तो इससे मुझे फुल मोटिवेशन मिला है कि नहीं, अब आप लोग को बहुत ही अच्छा कंटेंट देना है। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना 100% तैयारी करते रहिए, और ALP राकेश जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी नीडी पर्सन हैं उन लोगों को ये चैनल के थ्रू कुछ हेल्प हो सके। और अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूँ कि आप लोग को मेनली क्या पढ़ना है, और मेरे मार्क्स में मेरा जो फाइनल मेरिट बना था वो आपका RRB चंडीगढ़ में बना था, और अभी मैं RRB कोलकाता बोर्ड में हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू आया हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपको कौन सा बोर्ड से आप भरना सही रहेगा, और कितना कहाँ से तैयारी करना होगा, किस बोर्ड में आप भरेंगे तो कितना तैयारी करना होगा, किस बोर्ड का कट ऑफ कितना गया था, ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो इसमें आपको फुल कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है, ALP रिलेटेड टेक्नीशियन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कि इसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, और क्या क्या इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, आपको अपने आप में मैनेज करना पड़ेगा इस जॉब में आने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा अनशेड्यूल है, और बस अनशेड्यूल है, बाकी उस हिसाब से आपको रेस्ट भी मिलता है, कि आपका जिस हिसाब से ड्यूटी हो जाता है तो आपको उस हिसाब से रेस्ट भी मिलेगा। तो आप घबराइए मत, और ये जॉब सैलरी के मामले में बहुत ही अच्छी है, तो आप अपना 100% एफर्ट लगाइए। और बस मैं यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के चलते आज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जल्दी से 5K भी पहुँचाना है। तो मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि रेगुलर मैं वीडियो डालता रहूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा था। तो आप लोग को हमेशा अच्छा मैं कंटेंट देना चाहूँगा, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूँगा, ताकि उसमें कुछ मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो आप लोग को दे सकूँ। तो अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और सबसे पहले फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल 1K सब्सक्राइबर आप लोग की वजह से हो पाया है, और जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं
ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।